अभी तो मैं जवान हूँ, जवान हूँ, जवान हूँ। एक दौर था जब अपने आप को यंग बताने के लिए न जाने कितने बूढ़ों और बुढ़ियों ने ये गाना गाया होगा। फिर ज़माना बदला, मोबाइल आए, नए ऐप आए, और जिस बुढ़ापे से ज़्यादातर लोग भागना चाहते हैं, अब उसी की तरफ भाग रहे हैं। वजह वही फेस ऐप, जो एक पल में आपकी तस्वीर को लेकर ये बता देती है कि आप बूढ़े होंगे तो कैसे दिखेंगे। बीते कुछ दिनों में आपने सोशल मीडिया पर इस ऐप के जरिए बनाई गई तस्वीरें देखी ही होंगी, लेकिन इस संभावित बुढ़ापे की जिस तस्वीर को आप देखकर पेंशन प्लान्स के बारे में शायद सोच रहे हैं, उसके अपने खतरे भी हैं। दरअसल ये एक रूसी ऐप है जिसे अब तक गूगल प्ले स्टोर पर 8 करोड़ से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। अब आप सोच रहे होंगे तो दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि दरअसल जब आप अपना संभावित बुढ़ापा जानने के लिए इस ऐप में अपनी तस्वीर डालते हैं, तो ये तस्वीर फेस ऐप सर्वर तक चली जाती है। फेस ऐप यूजर्स की तस्वीर में बदलाव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए होता है। ऐसे में आप इस ऐप को केवल एक तस्वीर ही नहीं दे रहे होते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि आप बहुत कुछ दे रहे होते हैं। आप भले ही सोचिए कि इसका सिर्फ निजी इस्तेमाल होगा, लेकिन इसका सार्वजनिक इस्तेमाल भी हो सकता है। दूसरी बात, ये ऐप आपके फ़ोन की जानकारियों को ले लेता है ताकि जान सके कि आप मोबाइल से दिन भर क्या करते हैं। आपने देखा होगा कि फेसबुक पे ऐड आपको दिखते रहते हैं, जैसा आपका इंटरेस्ट वैसे मिलेंगे आपको विज्ञापन। इन शॉर्ट, मार्केटिंग का हथियार समझिए इसे। अगर आप फेस ऐप डाउनलोड करते वक्त ध्यान दें तो बोरिंग इंग्लिश में लिखा आता है कि इसको डाउनलोड करने से क्या क्या होगा, जिसे आप पढ़ते नहीं हैं। उसमें लिखा होता है कि आपकी USB स्टोरेज का कंटेंट पढ़ सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कैमरे और वीडियो तक एक्सेस रहता ही है, इंटरनेट का सारा डाटा ये लोग रिसीव कर ही लेते हैं, फुल नेटवर्क पर एक्सेस रहता है, ये लोग गूगल सर्विस कॉन्फ़िगरेशन को भी पढ़ सकते हैं, नेटवर्क कनेक्शन को भी देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें किसी ऐप को डाउनलोड करते हुए आप देख सकते हैं, और फेस ऐप के मामले में ये सब कंपनी भी कह रही है। कई लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं कि ये ऐप आपके फ़ोन की सारी तस्वीरों तक पहुँच सकता है। कई लोगों ने यह भी दावा किया कि ऐप खोलते ही इंटरनेट पर सारी तस्वीरें अपलोड होने लगी। हालांकि iOS और iPhone में यह विकल्प आता है कि आप किन तस्वीरों को हैंड ओवर करना चाह रहे हैं और किन तस्वीरों को नहीं। ये चिंता सिर्फ उस आम पब्लिक की नहीं है जो आपको अपने सोशल मीडिया फीड में बूढ़ी दिखाई दे रही है। अमरीकी सेनेट तक ये बात पहुँच गई है। सेनेट में चक शूमर ने फेस ऐप जाँच की मांग की है। ट्विटर पर पोस्ट की एक लेटर में शूमर ने लिखा है, ये एक रूसी ऐप है और बहुत ही चिंताजनक है। अमरीकी नागरिकों के निजी डेटा विदेशी ताकतें हासिल कर रही हैं। इन चिंताओं को फेस ऐप ने सिरे से खारिज किया है। यह ऐप सेंट पीटर्सबर्ग की कंपनी वायरलेस लैब की है। इस ऐप का कहना है कि लोगों की तस्वीरें परमानेंटली नहीं रखी जा रही हैं, ना ही आपके डेटा को खतरा है। सिर्फ वो तस्वीरें चुनी जा रही हैं जिनकी एडिटिंग की जा रही है। लेकिन शूमर ने कहा है कि FBI और फेडरल ट्रेड कमीशन इस ऐप की जाँच करे। कई लोग इस बात से अनजान हैं कि इसके खतरे क्या हैं, तो आप भी अनजान मत बने रहिए। और जब फेस ऐप जल्दी जल्दी डाउनलोड कर रहे होते हैं तो एक बार ज़रा सा ठहर के इंग्लिश में उस जो जानकारियाँ लिखी हैं उसको तसल्ली से पढ़ लें।